आईपीएल 2022 को लेकर बड़ा अपडेट आज मुंबई और बेंगलुरु के बीच है कांटे की टक्कर। आईपीएल सीजन 15 के 18वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई की टीम आमने सामने होगी, यानी मुंबई इंडियंस आमने सामने होगी। वही भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर दिखेंगे। वही रोहित मुंबई इंडियंस के कप्तान है, लेकिन विराट बतौर बल्लेबाज यहाँ पर खेल रहे हैं। दोनों टीमें इस मुकाबले में कई बदलाव के साथ यहाँ पर उतर सकती है। वही मुंबई की टीम में यहाँ पर रेल मेरडेथ खेलते नजर आ सकते हैं, तो वही आरसीबी की टीमें मैक्सवेल की वापसी आ चुके हैं। वही मुंबई को यहाँ पर सीजन में पहले जीत की तलाश है। उसे पहले मैच में यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स और दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स और तीसरे मुकाबले में कोलकाता से हार मिली थी। वही आरसीबी की बात करें तो पंजाब किंग्स ने उसे पहले मैच में हराया था, उसके बाद उसने कोलकाता को हराया था। तीसरे मैच में आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत हासिल की थी। अब डुप्लेसी की टीम यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आज किस मैदान पर उतरेगी। वही मुंबई की यहाँ पर टीम में सीजन यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग में संघर्ष करती हुई नजर आई है। वही बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों ने यहाँ पर मुंबई के गेंदबाजों ने निराश इस्तेमाल किया है। वही रोहित शर्मा गेंदबाजी में बदलाव के साथ आज उतर सकते हैं। वही डेनियल सैम्स को बाहर जाना तय माना जा रहा है, उनके स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के रेले मेरडेथ को यहाँ पर पहली बार मुंबई में यहाँ पर खेलने का मौका मिल सकता है। वही मेरडेथ पिछले सीजन में पंजाब किंग्स की टीम में थे। सैम्स को पिछले मैच में यहाँ पर पेंट केमिस ने 35 रन जड़े थे एक ही ओवर में। वही रोहित शर्मा पहले तीन मैचों में फेल होने के बाद मेसन थम्पी को भी बाहर कर सकते हैं, उनके स्थान पर अनुभवी तेज गेंदबाज जेता उनकट को मौका दे सकते हैं। वही गेंदबाजी के अलावा रोहित बल्लेबाजों में भी यहाँ पर कोई बदलाव फिलहाल यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे। वही आरसीबी की बात करें तो मैक्सवेल की वापसी तय है, उनके यहाँ पर आने से मध्यम कद जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मैक्सवेल की वापसी पर सैरपन रदरफोर्ड यहाँ पर बाहर जा सकते हैं, रदरफोर्ड को बाहर भेजा जा सकता है। अन्य विदेशी खिलाड़ियों में कप्तान डुप्लेसी के अलावा हसरंगा और डेविड विली टीम में रहेंगे। वही जेस हेजलवुड भी आज खेलने के लिए उपलब्ध नहीं है। दोनों टीमों की संभावित यहाँ पर 11 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान डुप्लेसी और अनुज रावत विकेट कीपर, और इसके अलावा यहाँ पर विराट कोहली, मैक्सवेल, शहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक, डेविड विली, हर्षल पटेल और हसरंगा और आकाशदीप और मोहम्मद सिराज टीम का हिस्सा हो सकते हैं प्लेइंग 11 में। वही बात करें मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, ब्रेवस और इसके अलावा यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और केरन पोलार्ड और इसके अलावा यहाँ पर डेलन सैम्स और यहाँ पर मैच इतने एक हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मॉर्गन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और मिल्स और मिशेल थम्पी और जयदेव उनकट में आज दोनों में एक को यहाँ पर मौका मिल सकता है।